हेलो एवरीवन, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, आज मैं भगवान राम की ड्राइंग की आउटलाइन कैसे बनाते हैं सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पे सर्च करिए ड्राइंग ग्रिड मेकर। ड्राइंग ग्रिड मेकर जैसे आप सर्च करोगे, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। जो पहला वाला है उस पर आप क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो मुझे सिर्फ ओपन करना होगा। ठीक है, तो मैंने ओपन किया। ठीक है, यहाँ से फ़ोटो को लीजिए, जो भी आपको फ़ोटो बनाना है। जैसे मुझे ये भगवान की फ़ोटो लेनी है, ठीक है, तो ये फ़ोटो मुझे बहुत प्यारी लगी। तो इस फ़ोटो की हम आउटलाइन बनाएंगे। तो आउटलाइन कैसे बनाते हैं सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना है। ठीक है, यहाँ से आप लिए कलर को, लाइन को कलर कर सकते हैं। यहाँ से जाके और भी कलर हैं, ठीक है, येलो है, ग्रीन है, रेड है, बहुत सारे कलर हैं, जो भी आपको सही लगे कर ली। ठीक है, यहाँ से लाइन को पतली कर सकते हैं, जैसे वन डाल देंगे तो लाइन की पतली हो गई। ठीक, उसके बहुत सारे बगल में ब्लॉक हैं, वहाँ पे भी आप जाके सब चीज़ें कर सकते हो। यहाँ से आप काउंटिंग नंबर भी कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ से आप जाकर देखिए ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, इसको हटा करना चाहते हटा भी सकते हैं। इसके बगल में देखिए ये इस तरह से ब्लॉक बन जाएंगे आपके, और इसके हटाना चाहते हैं इसको बिठा सकते हैं। इसके बगल देखिए ये है, इसमें काउंटिंग नंबर भी लिखे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे J1J6 इस तरह से 6165 लिखा होगा ना, इसमें इस तरह से लिखे होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से सेव कर लिए। ठीक, ये हमारा सेव हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि पेपर पे भी इसी तरह से ब्लॉक बनाएंगे। ब्लॉक का जो साइज़ होगा वो 2-2 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई सब होगी। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं ब्लॉक को, पेपर में भी काउंट करके। जैसे मैं बनाता हूँ, फेस के निचले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देखना होगा। फ़ोटो जूम कर सकते हैं, जूम करने से आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे आपको देखना है बस ब्लॉक कितने ब्लॉक में, कौन सी ब्लॉक में कितनी दूरी पर लाइन खींचनी है, सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखना होगा। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए आपको बस लाइन खींचने जाना होगा। लाइन खींचते रहेंगे तो आपकी ड्राइंग जो है बन जाएगी। ठीक, ये यहाँ से ईयर बना लेंगे। 10 से 11 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है, 10 से 11 मिनट की वीडियो अगर आप देखते हैं तो आप आउटलाइन बनाना सीख जाओगे। बहुत ही आसान तरीका है, ग्रिड मेथड से कोई भी किसी की भी ड्राइंग बना सकता है। तो आप दोस्तों देख के बना सकते हो, सीख सकते हो। बस आपको पेंसिल चलाना अच्छे से आना चाहिए। आप पेंसिल चलाना और बस ब्लॉक को देखना होगा, कितने ब्लॉक में कितनी दूरी पर लाइनें खींचनी है हमें। बस ये सब चीज़ अगर आपने ध्यान से देख ली तो आपकी ड्राइंग बन जाएगी। ठीक, देखिए हमारा ईयर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको आराम से बनाना, जो भी चीज़ें आपको गलत लगे तुरंत इरेज कर लीजिए, आराम आराम से बनाना। जैसे मैंने तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि एडिट में फास्ट कर दिया है, स्लो कर दिया है, ताकि आपको बोरिंग ना लगे और अच्छे से आप समझ जाओ चीज़ों को, कितनी दूरी पे कैसे लाइन खींचनी, कैसे बनानी है, सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको इसमें। ठीक है, तो आराम आराम से आप चीज़ों को देखिए, कैसे कर रहा हूँ, कैसे लाइनें मैं खींच रहा हूँ। जैसे मैं फेस के आकार को पहले बना रहा हूँ। ठीक है, और ये देखिए हमारा जो फेस का आकार है, ये यहाँ से ले जाके हम यहाँ पे टच कर देंगे तो ये हमारा पूरा फेस का आकार अच्छे से बन गया, थोड़ा इरेज करके। ठीक है, तो ये हमारा फेस का आकार बन गया, एक ईयर बन गया है और फेस का आकार बन गया है। ये ओठ मतलब लिप के नीचे जो बनाते हैं, ठीक है, पहले बहुत ही चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी ना चेहरे पे इंसान करते थे, तो वैसा है, एक गाढ़ा सा निशान है। ठीक, दूसरा भी ईयर बन जाएगा आराम से, तो इसको भी देख लेते हैं, हमारा दूसरा ईयर भी बन गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाएंगे हेयर को। ठीक, तो हेयर ही बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना होगा। ठीक है, बस जिस डायरेक्शन में जो हेयर गया है उसी डायरेक्शन में आपको बनाना है, ताकि हम शेडिंग करते समय कोई हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो आपको आराम आराम जैसे ही आराम आराम से मैं कर रहा था ऐसे करना है, बाकी तो फास्ट आपको करना नहीं है। ठीक है, आप बनाओगे आराम से तो आपको 20-25 मिनट में आपकी आउटलाइन अच्छे से बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए हेयर को हमने थोड़ा बहुत फास्ट इसलिए कर दिया ताकि आप अच्छे से समझ सको, देख सको, आपको बोरिंग ना लगे। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया हो दोस्तों। इसके बाद हम फेस के आकार पहले बना देंगे, पूरा फेस के बाहर की जितने चीज़ें हैं, जैसे हेयर हो गया, ठीक है, ईयर हो गया, और ये ईयरिंग हो गया, जो कान में बाले हैं उसको बना लेंगे, सारी चीज़ें बना लेंगे। उसके बाद हम फेस के अंदर के पार्ट को बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इससे आसानी हो जाती है ना, हमें आइडिया मिल जाता है कि हमारा जो
जिसकी हम ड्राइंग बना रहे हैं, जो भी ड्राइंग बना रहे हैं हम, वो कितने पेज में कितनी दूरी बन जाता है, ठीक है। जैसे ये हेयर इतना ही है तो हमें उसी हिसाब से देखना है, ठीक। तो ये सारी चीज़ देखिए, यहाँ से हेयर, ये हमने उसी हिसाब से ब्लॉक बनाया, उसी हिसाब से सारी चीज़ें आपको, ठीक है, करना है। कोई चीज़ छोटा बड़ा ऐसा ना हो कि आपने चीज़ें नहीं बनाई और वो चीज़ अच्छी नहीं बनी। तो यहाँ से हेयर, ये सब चीज़ें बन जाने के बाद हम आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि हाँ कि इतने में इतनी सारी चीज़ें बनेंगी, ठीक। अब ये यहाँ पे एक ईयरिंग बन जाने के बाद हम बनाएंगे एक गिलहरी जो राम जी के हाथों में है, ठीक है। भगवान राम जब लंका जाते हैं तो वहाँ पे जो गिलहरी उनकी मदद करती है ब्रिज बनाने में, राम सेतु बनाने में, तो वो गिलहरी ऐसी है, भगवान उसको गोद में उठाते हैं, ठीक है। तो ये गिलहरी हम यहाँ पे आराम से बहुत अच्छे से बना लेंगे। अभी आउटलाइन इसका बनाएंगे, शेडिंग करेंगे तो ये अच्छे से शेडिंग होगी, ठीक है। तो ये इसकी आंखें बना देता हूँ, आंखें बन गई, आंखें ये आंखें बन गई, इसकी दूसरी भी आँख जो ये भी बन गई, ठीक है। अब जो है इसका ये आकार यहाँ से कंप्लीट, ये हमारी गिलहरी बन गई है, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो भगवान की रुद्राक्ष माला, तुलसी माला है, इसको बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या करें, सिर्फ आउटलाइन कर लेते हैं, इसका लाइन खींच लेते हैं, तुलसी माला हम बाद में बना लेंगे। बस ये लाइन कितने उसमें इसको क्लियर रहे ताकि हमें बनाने में आसानी रहे। आप भी कर सकते हो, अगर आप बनाना भी गोला नहीं बनाना चाहते हो जिस तरह से है तो वो बाद में आप बना सकते हो। बस आपको ये रहे कि कितनी दूरी पर लाइन खींचनी है, कितनी दूरी पर हमें गोला बनाना है, सारी चीज़ें। तो ये ईयरिंग बनाने के बाद हम बनाएंगे फेस के अंदर के पार्ट को। तो लगभग 7:30 के आसपास हमारा जो है मिनट हो चुका है, तो इतने में हमारा ये पार्ट सब कम्प्लीट हो गया है। तो 3 से 4 मिनट के अंदर हमारा जो है फेस के अंदर के पार्ट बन जाएंगे, बहुत आराम से, बहुत ही मज़े से बनाऊंगा, तो आपको अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे आईब्रो, आईब्रो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला आईब्रो जो है हमारा बन गया है, थोड़ा सा ही देखिए बन गया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि आई को बनाएंगे, बहुत ही आराम से बनाएंगे, ऐसा नहीं हड़बड़ाना नहीं है आपको, बस देखना कि कितने ब्लॉक में हमें आई को बनाना है, लाइनिंग खींचनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करना है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना है कितनी दूरी पर हमें लाइन खींचनी है, कैसे करना है। तो ये हमारा पहला आई जो है बन गया। अब इसके बाद हम सेम जैसे ये बनाए ऐसे दूसरी आई को बना लेंगे, ठीक है। ये आई हमारा कंप्लीट, अब दूसरी आई को बनाते हैं, आराम से इसे लाइन खींचनी है, ठीक है। आईब्रो में थोड़ा ध्यान से देखना होता है दोस्तों, ठीक। ये हमारा आईब्रो बन गया, अब आई को बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी आई बन गई, आई के अंदर का जो ये है लेंस, उसको भी बना लेते हैं, सारी चीज़ें बना लेंगे, ठीक। तो ये हमारा दूसरा आई भी लगभग लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब इसके बाद हम बनाएंगे नोज को, ठीक। नोज को ना बना के पहले हम ये जो है ये भगवान राम का जो टीका है इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तिलक, तिलक अच्छे से बन गया। अब इसके बाद हम बनाएंगे नोज को, तो नोज देखिए दोनों ब्लॉक में थोड़ी थोड़ी पे है, यहाँ पे ये बना देंगे, कॉर्नर कॉर्नर पे है, तो यहाँ से हम मिला देंगे, तो ये हमारा नोज बन जाएगा, ठीक। नोज भी बन गया। अब इसके बाद हम बनाएंगे लिप को, 2 मिनट का वीडियो दोस्तों अभी, और एक 1.5 मिनट का वीडियो अभी बचा है, ठीक। तुम्हारा ये देखिए लिप बहुत ही प्यारा लिप बनेगा दोस्तों, बहुत अच्छे से बन जाएगा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, ठीक। तो हमारा लिप बन गया, सारी चीज़ें बन गई, देखना कि कौन कौन सी चीज़ें छूट गई हैं, बस वो चीज़ें आपको एक बार
नज़र दौड़ाना होगा कहाँ कहाँ चीज़ कौन सी चीज़ छूटी है, जैसे ये गले के पास जो है, ठीक है, शेडिंग करने के लिए सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे करनी है। अभी तो मेन चीज़ बाकी है जो ये माथे पे तीन नहीं है, ये निशान है भगवान के, इसमें कई रूप दिखाया गया। ये रूप बनाते ये शंकर भगवान का रूप हो जाता है, ठीक है, शंकर भगवान और राम भगवान। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो थोड़ा सा क्रिएटिव आजकल लोग कर देते हैं ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है। ठीक है, तो हमारा ये आउटलाइन कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये बीच की जो लाइनें हैं ना, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक, तो हमारा इरेज हो गया। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कमेंट करके मुझे बताइए कैसा बना दोस्तों, हम आपको जूम करके अच्छे से दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई दोस्तों, ठीक है, और हम आपको मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, लाइक कमेंट करके मुझे बताइए कैसा बना है, ठीक है, बाय बाय।